नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पैन ट्यूब प्लेट में। आज हम बनाने वाले हैं बची हुई रोटी यानी कि लेफ्ट ओवर रोटी की कॉर्न पॉकेट्स। बरसात में कॉर्न यानी कि भुट्टा खाने का आनंद ही अलग होता है, लेकिन कॉर्न को लेफ्ट ओवर रोटी के पॉकेट्स बनाकर खाएं टॉपिंग के साथ तो यूनिक और प्रेजेंटेबल भी लगता है। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल की रेसिपी लाई हूँ मैं आपके लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री। दो लेफ्ट ओवर रोटी यानी बची हुई रोटी। इस रोटी में नमक और घी नहीं है। अगर आपकी रोटी में नमक और घी है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आधा टेबलस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, तीन तीखी कटी हुई हरी मिर्च, आधा कप भुट्टे के दाने, एक चौथाई कप कसा हुआ प्रोसेस चीज, आप कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, नमक स्वाद अनुसार, एक टेबलस्पून मैदा में हमने थोड़ा सा पानी डालकर एक लिजाम बना लिया है यानी कि घोल बना लिया है, इसे थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक मध्यम टमाटर बिना बीज के कटा हुआ, हरा धनिया इसे हम बारीक काट लेंगे तेल तलने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बची हुई रोटी के कॉर्न पॉकेट्स। सबसे पहले हम रोटियों के चार हिस्से कर लेंगे पिज्जा कटर की सहायता से। देखिए हमने चार हिस्से कर लिए हैं रोटी के, ये त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल से है। आप इस रोटी के दो परतें देख रहे हैं, अगर इसे हम चिपकाएंगे नहीं तो तलते वक्त ये पूरी की तरह फूल जाएगी। तो हम मैदे के लिजाम से ब्रशिंग कर देंगे इस तरह से और परतों को दबा देंगे। आप चाहो तो आटे का भी लिजाम बना सकते हो यानी कि घोल बना सकते हो। तो देखिए एक तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी रोटियों को भी लिजाम लगा के चिपका लेंगे। देखिए हमने सारी रोटियों को चिपका लिया है, हम फिर से थोड़ा सा इसे दबा देंगे। अब एक त्रिकोण रोटी लें और कटे हुए हिस्से पर ये लिजाम लगा ले थोड़ा सा ब्रश की सहायता से। और इस तरह से रोटी के कोन बना लें। अब हल्के हाथों से इसे दबा दें, हमें कुछ सेकंड के लिए इसे दबा के रखना है। तो देखिए हमने एक रोटी का कोन तैयार कर लिया है, इसे अब हम प्लेट पर रख देंगे और इसी तरीके से हम बाकी के रोटी के कोन्स बना लेंगे। सारे रोटियों के कोन बन चुके हैं। देखिए अब इस रोटियों के कोन को हम तल लेंगे। तेल हमने गरम कर लिया है और आंच को हमने तेज रखा है। अब एक चमचा या पकड़ की सहायता से हम रोटी के कोन को पकड़ेंगे और तेल में कुछ सेकंड के लिए कोन को तल लेंगे इस तरीके से, ताकि कोन का जो ओपनिंग है यानी कि जो मुंह है वो बंद ना हो तलते समय। ऐसे करने से रोटी थोड़ी तल सी जाएगी, फिर आप चमचे को हटा दें। अब कोन को हम तल लेंगे ब्राउन होने तक। ऐसे करने से कोन का जो आकार है वो बना रहेगा। देखिए ये कितने परफेक्ट तल चुके हैं और ये ब्राउन से हो चुके हैं और इसका जो मुंह है यानी कि जो ओपनिंग है वो भी बंद नहीं हुआ है। तो अब इसे हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हम सारी रोटियों के कोन को तल लेंगे। देखिए सारी रोटियों के कोन तैयार हो चुके हैं। सुनिए ये बहुत ही क्रंची और कुरकुरे से बने हैं। इसे हम कुछ वक्त के लिए अलग रख देते हैं। अब एक सांचा या कोई भी गहरी प्लेट या कटोरी ले लें। इसमें कॉर्न यानी कि मकई के दाने, प्याज, टमाटर डाल के मिला लें। अब प्रोसेस चीज ऊपर से फैला लें इस तरीके से। अब इस सांचे को हम स्टीमर में रख देंगे स्टीम होने के लिए। हमने स्टीमर को मध्यम आंच पर रखा था, अब आंच को हम धीमा कर देंगे।
हमने इसमें नमक या अन्य मसाले इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि सारा मसाला भाप की वजह से नीचे तले तक आ जाता है और फिर उसका स्वाद भी नहीं मिलता है। तो हमेशा जब आप कॉर्न चाट बनाएं तो मसाले हमेशा बाद में डाला करें। अब हम मकई को भाप में पका लेते हैं इसका ढक्कन बंद करके करीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए मकई के दाने, प्याज, टमाटर और चीज एकदम परफेक्टली स्टीम हो चुकी है। अब आंच को हम बंद कर देंगे और सांचे को बाहर निकाल लेंगे। अब सारा मकई का जो मिक्सचर है वो हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं ताकि हमें आसानी हो मिलाने में। अब इस मिक्सचर में हम हरी मिर्च, आमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक, कसी हुई प्रोसेस चीज फिर से थोड़ा सा डाल देंगे, धनिया के पत्ते डालकर मिला लेंगे। तो देखिए कॉर्न चाट तैयार हो चुका है। तो ये हमारे रोटी के कॉर्न तैयार हो चुके हैं और ये हमारे चाट भी तैयार हो चुका है। तो अब रोटी के पॉकेट्स में हम कॉर्न चाट डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा भरना नहीं है इसके अंदर और हल्के से हाथ से हम इसे दबा दें। तो हमने एक तैयार कर लिया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हम बाकी के रोटी के पॉकेट्स को भी भर लेंगे और तैयार कर लेंगे। तो हमने सारे रोटी के पॉकेट कॉर्न चाट तैयार कर लिए हैं। देखिए ये रोटी के कॉर्न चाट कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं और बहुत ही हटके हैं, यूनिक सा है। ये सभी वर्ग के लोगों को बहुत पसंद आएगा और स्पेशली बच्चों को। ये परफेक्ट एक इवनिंग स्नैक, पार्टी स्नैक या टिफिन स्नैक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये हटके और अलग सी रेसिपी पसंद आई होगी। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका हमेशा की तरह दिन शुभ हो।